कारोबार करते थे। यहाँ पर ना तो हमारे खाने को कुछ पैसे हैं, ना तो कुछ है। हमारे यहाँ बहुत फैमिली हमारी परेशान है, इसलिए हम पैदल पैदल के लिए निकल चले हैं। आप कहाँ से निकले अभी? हम कहाँ, अपने टोली चौकी से निकले हैं। हमारे को अभी कह के लिए इतने लोगों के साथ आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है ना। हमारे माँ बाप वहाँ पर परेशान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टिकट भी कराए थे वो भी कैंसिल हो गई, उसके भी पैसे अभी रिटर्न नहीं आए। अब क्या करेंगे? आप कौन से गांव के? कानपुर जाना है। कानपुर जाना है। कितने साथी हैं आप लोग? हम लोग 20 लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ अभी हम हैं, पूरे 50 जने थे। जैसा अभी ट्रेन बंद है, बस बंद है, फिर आप लोग कैसा जाएंगे? पैदल सफर करेंगे? पैदल सफर कर लेंगे। कितने दिन में पहुँचोगे? पहुँच जाएंगे 17-18 दिन में। क्या करेंगे अभी? यहाँ बैठ के भी बेजकार है, फुटपाथ का कारोबार है, पुलिस भी सता रही, ज्यादा कुछ करे तो गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड कर रही है ना। यहाँ आधार कार्ड लेके गए तो वहाँ पर यही बोल रहे हैं, यहाँ का आधार कार्ड होना, यहाँ के आधार कार्ड बोल रहे हैं होना, तब दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे। जैसा कि बता रहे कि गवर्नमेंट 12 किलो चावल देंगे। नहीं नहीं, यहाँ का 500 रुपए नहीं नहीं, यहाँ का आधार कार्ड रोन मत हो देंगे बोल के नहीं, बोले थे। नहीं दिया हमारे को रिटर्न कर दिया। हैदराबाद का आधार कार्ड नहीं दिया, हम लोग गए तो भी नहीं दिया, रिटर्न कर दिया। अदर स्टेट वालों को भी दे रहे हैं। यहाँ से तय करेंगे, 1600-1700 किलोमीटर है, पहुँचेंगे 20-25 दिन में, क्या करेंगे? आप बोलिए। एक मिनट, उधर अपनी फैमिली भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। इस वास्ते हम लोग सब लोगों ने तय किया कि अपने घर को जाना है, कैसे भी घर पहुंचना है, कुछ भी हो पैदल जाना, कैसे भी जाना, घर को जाना है। तो आप कहां पे रहते हैं, कहां जा रहे हैं, कौन से गांव को जा रहे हैं? जिन टाइम में हम यूपी में रहते हैं, कानपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कानपुर जिला है, देहात से है हम लोग। आप लोग ने कैसे इसको हिम्मत जुड़ाई कि पैदल चलते हुए जाएंगे? आप लोग कब पहुंचेंगे? आप लोग जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ भी रह के क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि रास्ते में चलते चलते ही किसी तरह पहुँच जाते। बुरे हालात है, आधार कार्ड लेके गए भी हम लोग, बच्चे लोग। आप लोग हैदराबाद कब आए थे? आधार कार्ड लेके गए, फिर भी उन लोग तेलंगाना में इधर कब से? हैदराबाद में आप लोग कब से यहाँ पे? हैदराबाद में 5 साल से कारोबार कर रहे हैं फुटपाथ का, जाने के बाद भी बोलते इधर के लोगों को नहीं है, यूपी वालों को, सिर्फ तेलंगाना का है तो उन लोगों को मिलता। नहीं नहीं, दूसरे स्टेट वालों को भी दिए, केसीआर साहब हमने देखा है, हमारे टोली चौकी एरिया में हम लोगों को नहीं मिला, बोल तो रहे हैं। तो आप एरिया कॉर्पोरेटर, एरिया एमएलए या कोई लोकल लीडर से नहीं रहा? आप पुलिस से, पुलिस को संपर्क करें, फुटपाथ में कारोबार करने वाले पुलिस को बताया आप लोग? पुलिस को सोचना चाहिए, अपने पास जब तक है तब तक खर्च किए, जब तक पैसे थे तब तक खर्च किए, जब जब 4-5 रुपए 100-150 रुपए आप सोचा पैदल ही निकलते हैं। अब आप कानपुर तक पैदल सफर करेंगे? पैदल जाएंगे, रोड पे जाएंगे, कोई साधन मिला जैसे भी होगा किसी तरह पहुंचेंगे, ऊपर वाले के भरोसे जो भी होगा। आपकी फैमिली है बेटा, लेकिन यहाँ से वहाँ क्यों परेशान करोगे जाके? आप यहीं रहो ना, आपको तीन तारे हमारे बगैर वहाँ परेशान हो रहे ना सर, आवाज डबल हो जाती है। खाना खिला रहे, समझा रहे, बाबू रहो यहाँ पे, आप लोग नहीं जा, अभी यहाँ से चले जाओगे, आगे जाके चेक पोस्ट से फिर आपको रोक देंगे, फिर वहाँ से पलटाएंगे, क्या फायदा होगा बोलो आप? इधर ही अरे ऐसा है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, लिहाजा तुम लोग थोड़ा तो अभी गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। सब लोग साथ दिए सर, हमारा बच्चा छोटा था, हम कैसे करते सर? देखिए अम्मा, हम कैसे हमारे बच्चे के पास जाना? सुनो दी अम्मा, मेरा बेटा वैजाग में 1.5 महीने से फंसा हुआ, क्या करूँ? काम फंसा हुआ है सर, वैजाग में गया, उन्होंने वैजाग में है, वहीं पे है उन्होंने, अब डेली फोन पे बात कर लेके कुछ से भी गुजार रहे हैं, अम्मा क्या करेंगे हम लोग भी। पास एक जवान है, उसका माँ को हार्ट अटैक आया वरंगल में, उन्होंने नहीं जा सका, जमदार यहाँ ड्यूटी कर रहा, खाली फोन पे कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए माँ, ये परेशान, आप सब लोग देखना पड़ेगा, कैसा जाने देंगे ऐसा? नहीं जी अम्मा, हम लोग मैडम बीमारी तो यहाँ मर जाएंगे, हम लोग पूरा बीमारी से बस मर जाएंगे, घर में यहाँ रूम में रहेंगे, खाने नहीं, पैदल चल के जाना इतना बड़ा सफर है, कर सकते हैं? नहीं लगता मैडम हमको, डर काय का डर, जब सब मजबूत है काय का डर मैडम? आगे चल के आप लोग को फिर वापस भेजेंगे, कोई नहीं, तकलीफ नहीं हमको, हम लोग 700 में चल सकते हैं, 7 दिन में, 1 हफ्ते में पहुँचेंगे, लेकिन हमको घर जाना है। कौन सा गाँव है आपको? हमको नागपुर से आगे है 200 किलोमीटर। आप लोग कहाँ के हैं? मेरा कोलका मंदिर यूपी उन्ना रंडा सर। अरे भैया आप कहाँ के हैं? आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? पुत्तूर। पुत्तूर? हाँ, पुत्तूर से निकल के पैदल आ गए, कहाँ जाना चाह रहे थे?
क्या है मेरचल में? मेरा भाई जा रहा है। कौन रहता? मेरा भाई रहता है। रहे तो आप पैसा गए तो हम खामोश बैठना, आपको समझ में नहीं आता बच्चों से क्यों निकल गए आप लोग? आप खाना क्या इंतजाम दे रहे हैं? लोग 20 तारीख को घर से आ गए, इसको लाल के साथ रखते हैं। तो होता भाई, और होता है आपके अच्छा के लिए ना, आपके अच्छे के लिए ना, तो अच्छे के लिए। फिर गाँव रहे सर, कुत्तूर से क्यों निकला? कब निकले आप कुत्तूर से? परसों निकला। कितने दिन? कितना दिन हुआ? क्यों निकले वहाँ से? भैया आपको खाने का गवर्नमेंट पूरा चावल दे रहे, पैसे दे रहे नहीं मिला। कहाँ पे? पुत्तूर में। पुत्तूर में कुछ भी नहीं मिला? मैं कहाँ पे, कौन सा कोई फैक्ट्री में? फैक्ट्री नहीं है। ऐसे है पुत्तूर में। कौन सा एरिया है? अरे लेबर क्या काम बोले तो कंस्ट्रक्शन के पास करते होंगे, कंपनी में करते होंगे, कहीं तो करते होंगे ना। सीमेंट मोरंग का गिट्टी का काम। वो भी भैया लोडिंग अनलोडिंग उठेगा सर? नहीं उसके लिए उतना दूर से आने क्या जर, कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा ना? कोई है आपका कॉन्ट्रैक्टर? सब अलग अलग जगह। आप लोग कहाँ गए भाई? आप कहाँ गए? आप कहाँ के हैं? कहाँ से आ रहे? हाँ मंडला गुड़ा जी। हाँ आपको कौन बोले ऐसा जा सकते बोल के? कौन बोले? चावल जो मिल रहा था खत्म है, बाद में और 3 दिन लगातार गए सर, नहीं मिला। अब वहाँ रूम मंडला गुड़ा में कहाँ पे आप क्या काम करते थे वहाँ पे? काम करते थे। किसके पास कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर था? आदमी है सर, वो भी काम पाते तो हम लोग को देता करने के लिए। अब बंद है काम, जब से 21 दिन वो हो गया बंद हुए, अब काम ये भी बढ़ गया इसमें लॉकडाउन 19 दिन का। अब वहाँ रूम मालिक भी परेशान करने लगा। नहीं भैया, हर जगह पे गवर्नमेंट ने खाने का प्रबंध किया है, जो बीच बीच में स्टॉल्स लगा के भी दे रहे, पुलिस वाले भी जो दाता उनसे कंट्रीब्यूटर से सब लोग पैकेट्स भी बांट रहे ना, अब वो सब मिल रही है। आप क्यों इस ये सब मिलने के बाद क्यों जा रहे? सर जी बहुत दिक्कत है घर में, बीमार की तबीयत खराब आज। अपन सब मिल के फेस थोड़े दिन मुश्किल रहता, सामना करना है, थोड़े दिन के बाद सब क्लियर होता, ठीक होता, जब अच्छा खुशी से रह सकते आप। मैं कहीं कुछ जाते जाते आपको कुछ बीमारी हो गया, कौन है जिम्मेदार? आप जाके किसी को लगा दिया, वो पूरा तकलीफ होता ना। है तो जो परदेसी आदमी रुके हैं तो 5 दिन उनको एडजस्ट करना चाहिए था, तो चले जाओ गांव, अपने अपने देश चले जाओ 5 दिन के लिए, फिर लॉकडाउन करना था। एक ही बार में लॉकडाउन कर दिया, अब जो जहां है साला फंसा है, मर रहा भूखा, उनको क्या, उनको सब मिल रहा है, मर तो हम लोग रहे हैं। सही ऐसा, ये बीमारी ऐसी है सर, ये बीमारी तो है, बीमारी आई कहाँ से सर? ये सब आदमी आपस में ही बीमार, बीमारी तो है, बीमारी जिसको नहीं वो भी भूखा मर जाएगा तो क्या करेगा? उसके लिए तेलंगाना हुकूमत दे रही है आपको। फोन भी लगाया है 185 को सर, मध्य प्रदेश के लिए, कोई कॉल नहीं, बस व्यस्त व्यस्त बताते हैं, आदमी करे तो करे क्या। 1 बजे दे रहा सर। थोड़े दिन ना इसे थोड़ा हिम्मत से काम लेना है ना। किया सर, अभी जो 21 दिन क्या काम, जाके क्या करना चाह रहे हैं आप? जाके हिम्मत किया सर, बोलिए आप जाके क्या करना चाह रहे हैं? डैडी गया तो हम नहीं जा सकते, हमारा डैडी कोई नहीं, हम अकेले फिर क्या करता? अभी कैसे जाना चाह रहे हैं? बात कर रहे हैं बोल के आप ज्यादा बात मत करना, ठीक है? एक गलत बात है, गलत बात नहीं सर। बाहर नहीं आना बोले तो नहीं आना, आपका खाने का इंतजाम हो रहा बोल रहे हैं आप। चाहिए खाना नहीं चाहिए गाड़ी, हमको अभी हमारे बच्चे के पास जाना है। अभी ये नहीं होता ना, अभी कैसे जाते? 21 दिन तक हमने किया सर, इतना मेहरबानी। हमारे बच्चे प्रॉब्लम है, बीमारी फैलता बोल के बोले नहीं फैलते, इससे तो हम यहाँ मर जाते सर, बीमारी से फैले तो। क्यों मरते? कैसा नहीं मरते, घर में रह रहे के रूम में, बस यही रूम में रहना और सोना, बस उससे तो हमारा पूरा ये होता। क्या होता माँ? शरीर पूरा खराब होता उससे। क्यों खराब होता? कैसा नहीं होता? दो बार खाना आप ही बोल रहे, खाना दे रहे, पुलिस वाले आके जा रहे घर में, आपको खाने
क्या तकलीफ है सर आप लोग के सामान दाल चावल होना वो खिचड़ी खाचड़ी हमको नहीं चलता वैसा मालूम है हमने नहीं राशन मिला नहीं पैसे मिला खाना मिला नहीं राशन मिला नहीं पैसे मिला कुछ नहीं मिला हम क्या करते उसमें आप लोग समझ नहीं रहे हमारा फैमिली तो कैसा नहीं क्या करते हैं अभी क्या करना चाह रहे हैं हम लोग गांव जाना चाहते हैं अभी आपको जाने का परमिशन नहीं है अब आप यहीं पे रहना है समझ रहे हैं नहीं हमको गांव जाना नहीं जाना आप जाने नहीं देते थोड़ा हमारी तकलीफ समझो आप जो भी बोल रहे हैं समझ रहे आप गलत समझ आपकी फैमिली है आपका बच्चा आप लोग सब हमारा सीएम साहब बोले आप हमारे बेटे हैं बच्चे आपको अच्छा देख लेते बोल के रेशन दे रहे पैसे दे रहे कोई नहीं दे रहा है सर राशन पैसे कोई नहीं बोले हमको हम अभी बोल रहे हमको कोई राशन नहीं दे रहे थे बोलो हम प्रकाश नगर में रहते कहाँ पे प्रकाश नगर में दो दिन मई खाना लेके हर दिन दे रहे अरे खाना दे रहे दे रहे नहीं दे रहे मेरी बात खाना दे रहे आप खाना दे रहे नहीं दे रहे खाना दे रहे हमको खाना सुबह नहीं मिलता सर 12-1 बजे मिलता है और शाम में 7 बजे मिलता है सुबह खाते माँ आपको रेशन दे रहे उससे कर लेना नहीं पैसे मिला नहीं राशन मिला हम कहाँ से लाते फिर क्या बोल रहे नहीं राशन मिला नहीं पैसे मिला हम कहाँ से लाते फिर अरे रेशन मिलेगा माँ आपको नहीं मिला तो बोलना ना ప్రకాశ్ నగర్ అండి వీళ్ళు ఎక్కడ ఇల్లు అక్కడికి వెళ్ళి డ్రాప్ చేసి రావాలా పెట్రో గారు ఎక్కడ హలో సార్ రోడ్ పే నికల్ ఆయ్ अपने गांव जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट जाते हैं अपने अदर स्टेट्स के हैं तो वो लोगों को आप क्या कार्रवाई करें अभी सबको हर जगह पे अब उनका बोलना है सर खाने को खाना नहीं है रहने को सही जगह नहीं है घर को जाना है नहीं रहने के लिए अगर कहीं अगर वो लोग अभी कोई रेंट में रह रहे हैं अगर उन लोगों को कोई किसी ने तकलीफ दिया तो उनको ज़रूर हमने उनके पीछे रह के आप उनको मदद करेंगे किसी भी हालत पे ओनर्स को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को भी आप रेंट नहीं दिया बोल के अगर बाहर भी जाए तो उनके ऊपर भी केसेस बुक करने के लिए भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है और ऐसे अभी किसी भी हालत पे नहीं करना हम अभी मुश्किल वक्त है अब सब लोग सबका साथ देना जरूरी है उनको किसी भी हालत पे कोई रेंट भी नहीं पूछना कोई घर से बाहर निकल अपने गांव को जाते बोल के फिर भी नहीं सुने तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे उनके लिए गवर्नमेंट शेल्टर हाउसेस भी तैयार करे हैं कोई भी अगर रास्ते पे अगर निकल गए तो उन लोगों को हम अपने अपने जगह पे पहले भेजने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को वापस अपने जहाँ जिस जगह से वो लोग निकले हैं वहाँ पे छोड़ देंगे अगर वो अगर नहीं सुने तो गवर्नमेंट शेल्टर्स में रह के उनको ज़रूर 3 बार खाना देने के भी इंतजाम करते हैं थैंक यू सर थैंक यू जी हाँ दोस्तों हर सीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है मर्दों खवातीन के लिए एक समुफीत टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल